कंट्रोलर, एपीआई वाले फोल्डर में सब लोग एक नया कंट्रोलर बना लो, यूजर्स कंट्रोलर। सब लोग अब एक काम करो, हाँ मॉडल बना लो। मॉडल बना है पहले से? देखो मॉडल तुम्हारा पहले से बना होगा, देखो यूजर नाम का मॉडल तो पहले से बना है, देखो पहले से बना होगा, उसी पे काम हो जाएगा। सब लोग मॉडल पहले से बना है, देखो हमारा मॉडल यही रहेगा, यूजर नाम का जो बना है पहले से, आप लोगों का नेम ईमेल पासवर्ड मॉडल आप लोग देख लें, मॉडल आप लोगों का पहले से बना हुआ है, नेम ईमेल पासवर्ड। और इस मॉडल को इंपोर्ट कर लो, रिक्वायर कर लो यूजर कंट्रोलर्स पे। यूजर्स कंट्रोलर कहाँ बनेगा? एपीआई के अंदर, एपीआई फोल्डर के अंदर बनेगा यूजर कंट्रोलर्स। उसको रिक्वायर कर लें सब लोग। चलो मैं बहुत दिन से इतना जल्दी करो सब लोग, मैंने बहुत दिन से अटेंडेंस लगाई, कितने बच्चे गायब होने लगे इस बैच के थे, देखना है। चलो राज शर्मा तुम बड़े दिनों बाद आ रहे हो आज, क्यों कहाँ चले गए थे? सर कहीं नहीं, घर गया था तो सर एक दिन दो दिन का क्लास नहीं ले पाया था, बस दो क्लास छूटी थी मैंने सर। तो बहुत दिन से नहीं देखा, पूरा कवर है तुम्हारा कोर्स? नहीं सर, लास्ट के सर दो कवर तीन कर रखा है क्लास पूरा यूट्यूब से बस। देख के? तो यस सर, यूट्यूब यूट्यूब पे से तो अपलोड देख है ना लेता सारी हूँ। क्लासें, यस सर, तो वहीं जल्दी कवर करो। यस सर, यस सर। सौम्या सिंह, आप पूरा कोर्स कवर है तुम्हारा, कंप्लीट है सारा एपीए तक? सौम्या सिंह, सर लास्ट क्लास का बचा हुआ है एपीआई का मेरा काम। तो जल्दी कवर करो, प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, बस हाँ जी आप लोग सर। बनाओगे ठीक है। शिवानी पांडे, शिवानी पांडे गायब। सेरेन, सेरेन आप भी 3-4 दिन से गायब थे, यस सर, मैं थोड़ा कवर कर सा लिया? कहीं गई। हाँ सर, वो तो कंप्लीट है मेरा। कर लिया, फिर ठीक है चलो। यस सर, और इसके कंप्लीट है बाद मेरा। संजना कवर कर लिया होगा पूरा ठीक है। ऋतिका जैन, पता नहीं कहाँ है ऋतिका जैन। राहुल सोनी कवर कर रखा है पूरा राहुल, हाँ सर, कंप्लीट है पूरा। ठीक है। राव श्रीवास्तव पूरा कवर है तुम्हारा, यस सर। राहुल गर्ग, सर लास्ट क्लास का रह गया है अभी। ठीक है। प्रिया सिवरे का कवर है ही। प्राची श्रीवास्तव आप भी बहुत देर बाद आ रहे हो, तुम्हारा कवर है पूरा। सर अभी एक दो क्लासेस का रह गया है, वो भी कवर अप निशांत, कर तो यूट्यूब से कर रही। लो यस सर। पूरा, कर रखा है मैंने अपलोड, चेक करो। निशान तुम्हारा कवर पूरा? नहीं सर, मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ आपके, जो लेक्चर पढ़ रहे हो उसके लिए कवर कर रहा हूँ, हो जाएगा मंडे तक ठीक पूरा। है ठीक है। हिमांशु कवर है और अभिषेक का पता नहीं है, चलो बाकी सब है। चलो ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना। तो आ जाओ, तो हमने क्या किया है, यूजर कंट्रोलर बना लिया, यूजर्स कंट्रोलर। मॉडल हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वो पुराना वाला मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है। मॉडल हम कौन सा यूज करने वाले हैं? पुराना वाला मॉडल ठीक है, जो हमारा पहले से बना था। हमें कुछ चेंज नहीं करना है पूरे कोडेक, हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन और लॉग आउट, ये तीन बनाने मेथड। तो यूजर कंट्रोलर पे चलो, जो पहले से बना था यूजर कंट्रोलर, इसको खोलो, ऊपर चलो टॉप पे, देखो सब कुछ पहले से कर रखा है। ये पूरा कॉपी कर लो, रजिस्ट्रेशन वाला, ये रजिस्ट्रेशन वाला, ये पूरा ढालो वहां, पेस्ट कर लो यहाँ, पेस्ट कर दो ढाके। आप लोग भी ढालें, रजिस्ट्रेशन वाला यूजर कंट्रोलर से पूरा ढालो, बस थोड़े मैसेज चेंज हो गए, बस और कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर, तो बता देता हूं।
अब देखो सबसे पहला काम क्या था यहाँ पे, जहाँ एडमिन लिखा है ना वहाँ पे यूजर लिख दो, लाइन नंबर एट पे यहाँ पे लिख दो यूजर। अब यूजर और यहाँ पे लिख दो इफ के अंदर यूजर, इफ कंडीशन में है ना यूजर लिख दिया। अब ये अंदर के दोनों को हटा दो, अंदर के ये यहाँ हटा दो, क्योंकि अब ये नहीं आएगा ना, क्योंकि हम ईजीएस पे काम नहीं कर रहे हैं ना, तो मैसेज कौन सा आएगा पता है ना, जी मैं चैट में दे रहा हूँ ले लो, एपीआई बना रहे ना हम लोग एपीआई, कि मैंने चैट में दिया वहां से ले लो, res.send वाला आएगा मैसेज। ये वाला मैसेज आएगा बस, सब देख लो, res जो सेंड आएगा ना, स्टेटस क्या आएगा, फेल्ड, मैसेज आएगा दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। चलो इस साइड आओ, सब पहले ही कर चुके हैं आप लोग, अब नीचे आओ, इसके बाद क्या होगा, नीचे लाइन नंबर 13 का इफ बंद कमेंट करो, बंद करो, बंद बंद कमेंट बंद। अब इसका मैसेज चेंज कर लेंगे, बंद नहीं मैसेज चेंज होना है, ये लिखा है ना ऑल फील्ड ऑल क्या लिखा है, बंद करो उसको, वैसे ही बंद करो, ऐसा नहीं बंद करो जैसे किया था अभी। हाँ अब जो वाला जटा दो कुट दो ना, जटा दो ना अंदर के, क्योंकि व्यू वाला काम हमारा उस पर हो रहा है ना, तो इसमें भी ऊपर से उठा लो, वो उठा लो ऊपर वाला मैसेज आ रही है सेंड वाला, और इसमें लिख दो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, बस अंदर चेंज कर लेंगे। सारा काम पहले करा चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि बस अब सब काम पहले ही करा चुका हूँ, अब आप लोगों से प्रोजेक्ट कराने रह गए मेरे बस। ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, सेव कर लो, आप लोग भी चेंज कर लें, थोड़ा दिखा दो, आप लोग पहले इतना करो, सब लोग काम पहले, मैंने पहले कहा था ब्लॉक प्रोजेक्ट कर लिया आपने, तो इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट होंगे आप खुद से आसानी से कर लोगे। कर लिया, चलो अब इसको खोलो, इस वाले पार्ट को खोलो। अब इसमें क्या चेक हो रहा है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको इफ को। हाँ अब ये दो मैसेज डालो यहां से, अभी लगा दो वही सेम चीज लगा दो, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, क्योंकि मैसेज हमें कहां से कराने हैं, पोस्टमैन पे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, चलो सेव कर लो उसको। अब उस वाले पार्ट को खोलो, आप लोग भी खुद से कर सकते हो चीजें ये, अब ये भी मैसेज डालो, मैसेज दो ना ये, लगा दो भाई मैसेज लगा दो, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, स्टेटस कर दो उसका 200, स्टेटस कर दो 200 ये डाल दो डबल कोट में, 201 और लिख दो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, बस बन गया देखो रजिस्ट्रेशन की एपीआई विद सिक्योरिटी के साथ। ऊपर वो लगा लो वहां से, बी क्रिप्टेड वाले कोड लगा लो वहां से, यूजर कंट्रोलर से कॉपी कर लो ऊपर, जी बी क्रिप्टेड जेसन वेब टोकन दोनों, सब लोग ये चीजें कर लें, सेम काम हो रहा है, सेम काम दोबारा से ही, मैंने
उस दिन भी आप लोगों से कहा था कि सेम काम सब कुछ होगा, एंटर दे थोड़ा, बस सेव कर लो, ठीक नीचे आ जाओ, उनको भी दिखा दो कर लो, आप लोग भी कर लो। पूरा कार्ड ऑपरेशन की एपीआई करवा दी, ठीक है, विद इमेज के साथ करवा दी, लॉग इन लॉग आउट करवा देता हूँ, लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट ट्यूजडे से रिएक्ट स्टार्ट कर लूंगा और आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे। जब तक रिएक्ट चलेगा तब तक आप लोगों को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 7 दिन के अंदर, 7 दिन का टाइम होगा उसके अंदर करने के लिए, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर आपको रिएक्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एपीआई जो बनेगी ना ई कॉमर्स की, वो आप ही लोग बनाओगे। जल्दी कर लो। कर लिया सबने? मैसेज चेंज हो गए? राहुल, सोनी, संजना? यस सर, हो गए। बाकी लोगों ने कर लिए? यस सर, डूइंग सो। आओ एपीआई बना, राउट चल के राउट, राउट डालो, राउट api.js पे आ जाओ। चलो कंट्रोलर को यूजर कंट्रोलर्स कमेंट में, कमेंट लगा लिखो यूजर कंट्रोलर, नीचे लिख लो, नीचे स्पेस देके थोड़ा, हाँ यूजर्स कंट्रोलर, इससे याद होगा यूजर्स कंट्रोलर। चलो आ जाओ, नीचे लिखो राउटर डॉट गेट, पोस्ट आएगा, पोस्ट पोस्ट आएगा, पोस्ट आएगा, हाँ लिखो यहाँ पर रजिस्टर। ठीक है भाई, यूजर कंट्रोलर्स, यूजर्स कंट्रोलर्स, यूजर्स हमारे अपना यूजर्स है ना, वो आ रहा नीचे डॉट रजिस्टर, वो आ गया, वो आ तो गया, वो दिख गया, दिख रहा होता है तो मैं समझ जाएगा, देख लो यही दूसरा तो नहीं, चेक कर लो। ठीक है चलो सेव कर लो उसको भी, बाकी लोग कर लेंगे राउट सेट। चलो पोस्टमैन ओपन कर लो, पोस्टमैन ओपन कर लें सब लोग, हाँ उसको आओ ब्लॉक्स के अंदर आ जाओ। चलो अब आ जाओ प्लस पे करो, और तुम्हारी ईपी नहीं आई तुमने, और कहाँ ईपी तुम्हारी अपडेट डिलीट की, चेक नहीं करी पोस्टमैन पे? सर चेक की थी बट मैंने सेव नहीं की, मैंने सोचा बाद में कर लूंगी। और अच्छा चलो सेव, ठीक है चलो, सर्वर चालू है उसका एक्सप्रेस का, सर्वर चालू है एक्सप्रेस का, चालू कर yes, लो। चलो आ जाओ, लिखो लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश एपीआई, क्या यूआरएल देख लो, क्या मुझे याद भी नहीं है तुम्हारा क्या यूआरएल है, डिस्प्ले में देख लो, डिस्प्ले से ले लो ना एपीआई से, डिस्प्ले ब्लॉक से ले लो, किसी से भी ले लो डिस्प्ले वाले ब्लॉक से, देख कॉपी कर लो पूरा, चल रहा है चेक करो, चल रहा है वाला चेक करो, चल रहा है, सेंड करो ना, सेंड करना, ठीक है चल रहा है, चलो आ जाओ उस पर आ जाओ, पेस्ट करो, रजिस्टर कर दो, रजिस्टर रजिस्टर, और बॉडी पे आ जाओ, पोस्ट कर लो,
फॉर्म डेटा पे आ जाओ, नेम ईमेल कंफर्म पासवर्ड ले लो, नेम नेम डाल दो उसमें, ईमेल ईमेल डाल दो, जी पहले इसमें है तो नहीं है वो मालूम पड़ जाएगा। चलो अभी चलो और डालो, पासवर्ड डालो, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वहाँ चेक कर लो, वही लिखा है चेक कर लो वहाँ कोड कंफर्म पासवर्ड का क्या स्पेल लिखी है। यहाँ से नहीं, उसमें यहाँ नहीं होगा ना कंफर्म पासवर्ड, वहाँ पे होगा कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर में होगा, इस वाले में नहीं, अपना वाला यूजर्स कंट्रोल में चेक करो ना एपीआई के अंदर। हाँ यही जी कॉपी करो कंफर्म पास, ये लिखा तो कंफर्म पास, हाँ यही कर डालना होगा ना पेस्ट कर दो। चलो यहाँ टाइप कर दोबारा, सेंड करो, चल गया। देखो सब लोग अब एक काम करना, अब फिर सेंड करना दोबारा से तो फिर एरर देगा वो, देखो एरर दे रहा है, द ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है सबको, मैसेज शो हो रहे हैं सारे। चलो आप लोग भी जल्द, आप लोग जल्दी करो इतना, जी हो गया रजिस्ट्रेशन आप लोगों का, अब लॉग इन कराते हैं इसके बाद, आप लोग भी कर लें इतना काम जल्दी, पहले सब लोग जल्दी से काम करो। हेलो हाँ जी, आप तो फोन मिस कॉल पड़ा हुआ था आपका, मैं पीएनएल हाउस से बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ जी हाँ विकास बोलो, कितनी बार करना चाहोगे मतलब ये डाल दूँ हमें तो आना पड़ेगा है। क्यों आवेदन क्यों छोड़ गया था? अच्छा 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 तो कौन सा ज्वाइन करना है? अच्छा वेब डिजाइनिंग नहीं आते भी तो तुम पढ़ चुके थे ना? तो कल ज्वाइन करना 6 बजे ठीक है? हाँ शाम को 6 बजे। तुम्हारी फीस सबमिट है कि नहीं है? फीस तुम्हारी सबमिट है कि नहीं कुछ भी ना? तुमने फीस कोई सबमिट नहीं किया कभी? चलो ठीक है, 7 सब में आ गए ना वो? ठीक ठीक है, हम मुझे हाई लिख के भेज देना, मैं कर दूँगा ठीक। हो गई सबके, चल गई एपीआई रजिस्ट्रेशन हो गया? यस सर हो गया। ठीक है बाकी लोगों का सिंपल है, जैसी उसकी करी वैसे इसकी है, बाकी और लोग दिल्ली जाएं कर लिया सबने? सेरेन सर कर रही हूँ मैं अभी, मेरे को एरर आ रही है। ठीक है ठीक करो, इसमें एरर कहीं से आनी चाहिए वैसे, उस पे आना एपीआई पे आऊंगी, एपीआई दिखाओ। सिर्फ हमने कुछ हमने सब क्या चेंज किया, अकेले मैसेज चेंज किए बस, बाकी तो पूरा कोड आपका वही है सारा, सिर्फ मैसेज चेंज हुआ है अकेला, यूजर कंट्रोलर आपके पास पहले सबके पास वो होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत किया था मैंने, ठीक है सर हो गया। हाँ पूरा वही है सब कुछ, हमने कुछ बदले नहीं, मैसेज चेंज कर रहा हूँ उसमें, सारा काम पहले करा ही चुका था। चलो रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाओ, लॉग इन के बैठाओ, बंद कर दो उसको रजिस्ट्रेशन को, रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया एपीआई का, कैसे एपीआई बनती है? अब लॉग इन की कर लेते हैं, अब लॉग इन बनानी होगी बिट टोकन के साथ, बनी रखी है पहले से, उठा दो वेरीफाई लॉग इन, जिससे उठा लो पूरा कोड वेरीफाई लॉग इन, वहाँ पेस्ट कर दो पूरा। मैंने आपसे पहले कहा था आपका सारा काम मैंने पहले करा दिया,
जी पेस्ट कर दो। अब बस सिर्फ क्या चेंज करना होंगे हमें इसमें भी, सब जगह पर मैसेज कर लो खुद से चेंज, मैसेज चलो मैसेज चेंज करो, ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड ऊपर चलो, ऊपर चलो बताता हूँ, सबसे ऊपर आओ, सबसे ऊपर आओ, अब नीचे आओ, इफ वाला बंद करो, लाइन में 45 वाला, 45 वाला जी मैसेज चेंज करो, ऐसे बिठा दो पूरा, ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर दो। ईमेल एंड पासवर्ड डज नॉट, वो क्या ऑल फील आर रिक्वायर्ड, क्या था उस मैसेज में, नहीं ई ऑल दोनों फील्ड भरनी होगी ना, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड कर लो, इसमें लिखो तो मैसेज में पहले लिखो तो मैसेज में ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ठीक है सेव कर लो। अब इफ के अंदर जाओ, इफ खोलो उसको, अब इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद दूसरे इफ, इस इफ को बंद करो, इसमें क्या है, यू यू नाम है योर, यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर, ये हटा दो, देखो यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, सब कुछ पहले हो रखा है, इसको सेव करके इसको बंद करो। अब जो कौन सा ईमेल और पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ये लिखो मैसेज में, हो गए सारे चेक, टोकन भी लगा हुआ है इसके अंदर, जी हटा दो यहाँ सभी, रिडायरेक्ट हटा दो यहाँ सभी, ठीक है अभी एक बार मुझे दिखाओ। अब देखो सब लोग यहाँ पे इतना काम करने सबने कर लिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे टोकन वाला दिखाना मुझे, अब यहाँ पे मैसेज लिखो, जो मैसेज मैं दे रहा हूँ जी, दे रहा हूँ ये लिख लो मैसेज, वही वाला मैसेज कॉपी कर लो, मैसेज कहाँ क्या वो, जो मैसेज लिखो यहाँ पे, स्टेटस कर दो सक्सेस, यहाँ मैसेज आ जाएगा, इसी के नीचे मैसेज आएगा, यहाँ पे करो स्टेटस सक्सेस, लिख दो लॉग इन सक्सेसफुली विद वी टोकन विद वेब टोकन, मैं जी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ जी, लाइन लिखो उस तरीके से, तो मैसेज लिखना है, टोकन भी चाहिए होगा ना साथ मुझे लॉगिन टाइम पे, टोकन भी सिखा चुका हूं आप लोगों को। अब देखो टोकन कैसे स्टोर होगा वो सीख लो थोड़ा, लगा दो मैसेज में, इसी में जी डाल दो खोपड़ी इसकी, हाँ अब रुको, हाँ वो ठीक हो जाएगी भैया, ठीक हो जाएगी जी, अरे कौन सी आ रही है लास्ट में ना, करली वैकेस, करली वैकेस डबल वैक कहाँ से, क्यों दे रहा जी, नहीं वो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो हटा दो लास्ट बार हटा दो, हाँ जी वो हटा दो इस तरीके से रहेगा सब, देखो सब देख लें इस तरीके से, टोकन मैसेज में जो मैंने आपको मैसेज दिया है ना, लॉग इन सक्सेसफुली विद वेब टोकन,
कर लिया सबने, लिख लिया मैसेज चेंज कर रहे हैं बस, बाकी पूरा कोड वही है। कर लिया सबने चेंज, बताएं सर हो गया। चलो अब बनाओ, चल किसका राउट, वेरीफाई, पोस्ट आएगा पोस्ट, वेरीफाई लॉगिन, यूजर्स कंट्रोलर डॉट लॉग, वेरीफाई लॉगिन सेव कर लो, सब राउट देख लें, सब राउट सब चेक कर लें। आप पोस्ट में जाकर चेक करो खुद से, क्या चेक करेंगे लॉगिन वाला, करो ना खुद से, ईमेल आईडी पासवर्ड चेक करेंगे ना, लॉगिन करेंगे, करो गुड इवनिंग सर, हेलो गुड इवनिंग सर, हेलो गुड इवनिंग सर, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो गुड इवनिंग सर, कैसे सर आप, सर मैं पूछा था कि कब से चालू होगा उसका कॉलेज, अच्छा बताया था, हाँ हाँ अच्छा, तो सर वो लेटर एंट्री में हुआ होगा ना उसको, थर्ड सेम से ब्रांच वो सीएस मिल गई, धन्यवाद सर आपको सर, सर कभी कभी सर ऑफिस आई सर टाइम निकाल के सर वो एक बच्ची भेजी थी मैंने बीसीए वाली, उसका कुछ हुआ, अच्छा जब फल नहीं हुई, अच्छा, सर हो गया, अच्छा एक वो मैं आपको बताया था ना, ये लगा ना बीकॉम वो बीसी एक और को करना है, उसने बीकॉम किया हुआ था तो उसका आपने बताए थे, बताएंगे कुछ उसका भी हो जाएगा कुछ, पीसीएस है ट्वेल्थ में, उसने ट्वेल्थ में सर कॉमर्स था उसके पास, हाँ तो कॉमर्स से बीसी हो जाता वो सर, तो आप देख लेना हो जाए, तो वो भी बंदा है मेरे पास एक, मतलब वो जॉब करता है ग्वालियर में एसएनएस में, वो क्या सिर पे था, मैंने आपको बताया था सिर पे था वो जहाज पे, तो बड़ा परेशान था वो वहां पे, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे लग सीख गया था, तो यहीं लगवा दिया था मैंने उसको एसएनएस में, अब मैं सोच रहा हूँ कोडिंग बीसीए एमसीए उसका हो जाएगा तो थोड़ा ग्रोथ मिल जाएगी उसको अच्छी, हाँ इस चक्कर में, और जो लड़की है ये प्रेस्टीज में बीबीए कर रही थी, तो इसको जो मेरे डिजाइनिंग सीख रही थी तो वहाँ उसको समझ नहीं आया कोडिंग अच्छी लगने लगी, तो उसने बुक को छोड़ दिया, उसने एमबीबी छोड़ दिया, तो फिर मैं उसको आपके भेज दिया,
जो परेशान होते हैं बच्चे मैं आपके यहाँ भेज देता हूँ उनको, इस चक्कर में होना कहीं नहीं होता, नहीं चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपके पास हो जाएगा, ठीक है मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है जैसा हो तो बता देना, तो मैं एक बंदा और है मैं उसको भेज दूंगा हाल के तुरंत, ऐसा लिंक खुले तो मैं आपको उसके पास भेज दूंगा, कहो तो पहले भेज दूंगा डॉक्यूमेंट देके आपके पास, जैसा आप बताएं, नहीं जैसा आप बताएं, वो तो रेडी बैठा है। हाँ तो नहीं, वो आपके पास आ ही जाएगा, वो तो आ जाएगा, वो तो आपको भिजवा देंगे मैं, वो आ जाएगा तो उसका भी हो जाएगा, उसके साल बच जाएगा हो जाए तो। ठीक है मैं उसको भेज देता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, सर ओके सर। हाँ देखो हो गया लॉगिन, टोकन के साथ आ गया, देखो सब लोग, अब देखो टोकन इसमें कहाँ स्टोर होता है, वो दिख रहा है कुकीज उसमें, वो दिख रहा है कुकीज उसमें स्टोर होगा, नीचे देखो पोस्टमैन, पोस्टमैन में, पोस्टमैन में देखो नीचे 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 रॉ के ऊपर डेटा दिख रहा है, नीचे ऊपर बॉडी देखा, बॉडी लिखा हुआ है बॉडी, नीचे 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 इसी नीचे बगल में हेडर के बगल में, हेडर से बगल में जो पहले आपने क्लिक किया था ऊपर ही हेडर्स, ये हाँ यही यही देखो ये है टोकन स्टोर, पोस्टमैन में यहाँ पे टोकन स्टोर होगा, ये टोकन ब्राउजर में स्टोर नहीं होगा, ये टोकन यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है तो टोकन स्टोर हो गया, अभी टोकन हम कहाँ ले लेंगे, रिएक्ट के अंदर लेंगे आगे चल के, दिखा दो आप लोग भी कर लें अली से। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया विद टोकन के साथ, विद सिक्योरिटी के साथ करा दिया, लॉगिन के साथ कर लें आप लोग जल्दी इतना काम, अब इतना मैंने करवा दिया, अब आप लोगों से रिजल्ट चाहिए मुझे, अब जो मैं प्रोजेक्ट समझाऊंगा ना सैटरडे थर्सडे को है ना, उसके 7 दिन मिलेंगे आपको, उसको 7 दिन में वो कंप्लीट करना होगा, ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट में लाइव करना सिखाऊंगा इस वीक में, आप लोगों का ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट सर्वर पर लाइव हो जाएगा विद डेटाबेस, डेटाबेस आपका लाइव होगा MongoDB पर, ठीक है जो डेटाबेस है ना वो MongoDB पर हम लाइव करेंगे पूरा अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट ट्यूजडे से रिएक्ट स्टार्ट है और आप लोगों का प्रोजेक्ट चालू होगा जो मैं बताने वाला हूँ, वो पूरा आप लोग बनाओगे 7 दिन के अंदर ही, ठीक है तभी आपका रिएक्ट स्ट्रांग होगा। अब इनको भी दिखा दो कोड, हेलो गुड इवनिंग, हाँ जी बोलो, हाँ आज हुई थी ना क्लास, हाँ आज पहली क्लास थी 6 से 7 TTS में, 6 से 7 TTS में, और लेट वाला तो अभी नहीं है, फिर तो अगले महीने बनेगा वो दिसंबर में जाके, हाँ, आज ही पहली क्लास चल रही थी, हाँ TTS में, ट्यूजडे थर्सडे सप्ते में 3 दिन वो, हाँ मुझे हाँ हाल लिख के भेज दो, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें कुछ नहीं हुआ था, उसमें तो बात आता हुई आज बस, ठीक है एक बार भेज दो, मैं लिंक भेज देता हूँ तो अभी मैं तुरंत भेज दूंगा, ठीक है ओके ओके। हाँ चलो हो गया आप लोगों का, ये लॉगिन कर लिया, चलो लॉग आउट वाला भी कर लो, यस सर, इसको बंद कर लेना, लॉग आउट वाला भी वहां से ले लो, लॉग आउट वाला भी कर रखा है आपने, ये उठा लो टोकन को एक्सपायर करने वाला, ये लॉग आउट ये तो दिया, इसी कॉपी का पेस्ट कर लो वहां पे, तो जी देखो पूरा बन गया कार्ड बिस लॉग इन लॉग आउट सब कुछ, बस यही है इसका, मैसेज डाल दो यहाँ से, मैसेज लगा दो लॉग आउट सक्सेसफुली लिख दो, सिंपल बस लॉग आउट कर दो, लॉग आउट मैसेज लिख दो लॉग आउट, वही RES सेंड करके,
बना ले पे बना ले इसकी लॉगआउट की। चला राउट नाम राउट रिसर्च राउट। अगली क्लास में आप लोगों का इतना काम कंप्लीट होना चाहिए सबका, ठीक है, क्योंकि तभी हमें लैब करना सिखाऊंगा ना, फिर आपका लैब नहीं हो पाएगा। और इसमें सिंपल तरीके से लैब नहीं होता, ठीक है, हाँ एक्सप्रेस और मोंगोडीबी सिंपल तरीके से लैब नहीं होता। और कल ही बताऊंगा काम कंप्लीट करके रखना आप लोग अपने अपने सब लोग। चेक कर लो जाकर पोस्टमैन पे। गेट करो गेट, लॉग आउट में गेट आएगा। सेंड पे क्लिक करो। हाँ देखो सेव नहीं पाया क्या, ये कह रहा है देखो टोकन इज नॉट डिफाइंड। जी हटा दो टोकन, हटा टोकन हटा दो वहां से, ये टोकन लिखा हुआ सब हटा दो वहां से, बस सेव करो। हो गया लॉगआउट, सब देख लें जी, बन गई आपकी एपीआई लॉगआउट की, उनको दिखा देना लॉगआउट वाला पार्ट। ठीक है, पूरा एपीआई वाला काम करा दिया जो बनती है एपीआई, बाकी